गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल एपिक अंजलि। गाइज आज हम आपके लिए लेके आए हैं कबाड़ से जुगाड़ वाला आइडिया एंड बिल्कुल ही लो कॉस्ट है। आप बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ बना सकते हैं वो भी बिना क्ले के। मैंने बनाया है गाइज लिप्पन आर्ट, वो भी मेरे पास कार्डबोर्ड रोल पड़े हुए थे, मेरे टिश्यू पेपर थे तो मैंने उसके रोल्स थे तो मैंने इसका रीयूज़ किया हुआ है। मैंने हाफ हाफ कट कर लिए है, मैंने 2 रोल्स लिए हुए हैं इक्वल साइज़ में एंड उनको हाफ हाफ में कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। एंड मैं इसका अच्छा सा बेस देने के लिए मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल जो पेपर होता है उसे भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने मतलब नॉर्मल शेप देने के लिए इक्वल वो देने के लिए मैंने इस पे इसको पेस्ट कर दिया है, मैंने ग्लू लगा कर इसमें अच्छे से इसको पेस्ट किया है। तो गाइज मैंने देखिए बनाया हुआ है आज लिप्पन आर्ट और वो भी बिना क्ले के। आप सोच रहे होंगे बिना क्ले के कैसे, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने बिना क्ले के इसको कैसे बनाया हुआ है और इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो गाइज मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड गाइज आपको पता ही होगा मैंने इससे पहले कबाड़ से जुगाड़ वाले बहुत सारे आइडियाज़ आपसे शेयर किए हुए हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने 4 कट कर लिया एंड सब में अलग अलग टेक्सचर दे दिया है, जो कलर मेरे पास नहीं था मैंने उसको मिक्स मैच कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरे 4 की 4 मैंने कट कर लिए हैं। और इस पर आप वैसे आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे सकते हैं, आप चाहे तो इसमें मोज़ाइक आर्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसमें मिरर का भी यूज़ किया हुआ है एंड लिप्पन आर्ट दोनों इसमें मैंने अच्छे से किया हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं आप ये जो देख रहे हैं किले, आप सोच रहे होंगे ये तो किले है लेकिन ये किले नहीं है गाइस, ये है बॉल पुट्टी। मैंने 20 रुपए की बॉल पुट्टी मंगवाई थी, उसमें इतनी सारी आई कि अभी मेरे पास बहुत सारी बची हुई है। ये मैंने ओनली 4 स्पून किले ली हुई, मतलब 4 स्पून मैंने ओनली वॉल पुट्टी ली हुई है, उसका मैंने डो बनाया है और इसका डो बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं लगता। ओनली 5 रुपीज़ की पुट्टी भी मेरे काम नहीं आई है। तो गाइज आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको डो बनाना इसका नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो गाइज देखिए मैंने सब डो बना लिया एंड उसको मैंने इसमें राउंड कर दिया। आप चाहे तो मोल्डेड के लिए यूज़ कर सकते हैं बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको बिना क्ले के बनाया हुआ है। एंड उसी अकॉर्डिंग देखिए मैंने इसमें डिज़ाइंस वगैरह दे दिए, मैंने इसके बॉर्डर्स बना दिए क्योंकि बॉर्डर्स के से क्या होता है बहुत ही अच्छी लुकिंग आती है। एंड मैंने बीच में भी अपने अकॉर्डिंग शेप एंड साइजेस दी हुई है तो आप भी आपके अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। जैसे मैंने बीच में भी रेक्टेंगुलर बना दिया, 2 मैंने एक जैसे बनाए हैं एंड 2 मैंने एक जैसे बनाए हुए हैं, थोड़ा अलग अलग दे दिया मैंने इसमें कलर टेक्स्चर। और देख सकते हैं मैंने ये वॉल पुट्टी से ही ऐसे थोड़ी सी ये ड्रॉ करके बना के रख लिए थे जिससे थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। तो ये थोड़ा ब्लैंक था तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये मैंने थोड़ी सी पत्ती सी शेप होती है, मैंने उसकी शेप दी हुई है इसमें, आप इसे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे नहीं बनाइएगा तो भी चल जाएगा, आप कोई स्टोन वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें इस मतलब इसी की जगह ओनली केवल वो लगा सकते हैं आप मिरर्स। तो गाइज देखिए अब मैंने इसमें अप्लाई किया है वार्निश, अभी ये थोड़ा मेरा खाली खाली लग रहा है क्योंकि अभी मैं इसमें करने वाली हूँ और भी कुछ अग्री। तो गाइज मैंने वार्निश अप्लाई कर दिया था, क्लियर सिंथेटिक का मेरे पास वार्निश था एशियन पेंट का, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। अभी सूख चुका है तो आप देख सकते हैं कितना ग्लॉस लुक आ रहा है। अब मैं करने वाली हूँ इसमें मिरर्स का यूज़। गाइज ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा लोग को, सब चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं मिरर्स, लेकिन मिरर जो होते हैं वो हर चीज़ में 4 चांद लगा देते हैं। तो गाइज इसलिए इसमें लाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं मिरर्स का यूज़ करूँगी। तो एंड गाइज ये थोड़ा ब्लैंक लग रहा था तो मेरे पास आउटलाइनर थे फैब्रिकल के, तो मैंने इसमें उससे ड्रॉ कर दिया हुआ है जिससे थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक ना लगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कोई भी कलर से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखिए मैंने अपनी इच्छा से अपने अकॉर्डिंग इसमें शेप्स वाले मिरर्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे किसी में मैंने स्क्वायर शेप यूज़ किया तो किसी में ट्राइंगल, किसी में, तो मैंने सब में अलग अलग शेप मेरे अकॉर्डिंग यूज़ की हुई है। आपके अकॉर्डिंग जो शेप्स है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो।
और अगर आप इससे पहले देखी हो तो और भी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। गाइस बहुत ही इजी है, आप ऐसी चीज़ें जब मार्केट से परचेस करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली मिलती है, आप घर में ही कबाड़ से ही जब इन चीज़ों को बना सकते हैं तो क्यों ही परचेस करना। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतनी मेहनत करके चीज़ों को बनाती हूँ, मैं बाज़ार से क्यों ना परचेस कर लेती। गाइस हम बाज़ार से परचेस तो कर सकते हैं बट जो हम खुद से जो चीज़ बनाते हैं उसकी वाइब भी बिल्कुल ही अलग ही होती है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है उसको देख देख कर। तो गाइज़ इसलिए मैंने इसको खुद ही नहीं बनाया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एंड मेरे घर में सच्ची में ही चार चांद लग गए। तो गाइज़ आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपना ज़रूर प्यार दीजिएगा और मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। एंड गाइज आप बता सकते हैं, देखिए आप ये देख सकते हैं जो ये कलर है, ये कलर वैसे अवेलेबल मुश्किल ही हो पाता है, वैसे मिल भी जाता है बट मैंने ये कलर मिक्स एंड मैच करके बनाया था पिस्ता ग्रीन, ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन शेड एंड वाइट शेड मिक्स कर दिया तो बहुत ही अच्छा कलर निकल के आया। एंड गाइज देख सकते हैं दो तो मैंने एक जैसे बनाए थे एंड दो मैंने एक जैसे बनाए, दो में तो मैंने आउटलाइनर से लाइनिंग कर दी थी एंड जो दो है उसमें मैंने आउटलाइनिंग से लाइनिंग ना करके मैंने इसमें जो शेप्स वाली ये कॉडी टाइप की बनाई थी पेटल्स, ये मैंने उसको इसमें पेस्ट कर दिया है। आपने लिपन आर्ट तो बहुत देखे होंगे बट आपने बिना क्ले वाला लिपन आर्ट कहीं भी नहीं देखा होगा जो ओनली 5 रुपीज़ की क्ले आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगी और आपकी 20 रुपीज़ की क्ले इतनी सारी मतलब वॉल पुट्टी इतनी सारी आ जाएगी कि आप इसे बहुत ही सब कुछ बना सकते हैं। मैंने अब तक एक बार मंगवाई थी वो भी मेरी अब तक ख़त्म नहीं हुई है। तो गाइज़ आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। देखिए गाइज कितना अच्छा लग रहा है, गाइज मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने इसमें थोड़ी लाइटिंग ऐड कर दी, मेरे पास बैटरी ऑपरेटेड वाली स्ट्रिंग लाइट थी तो मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है।